इस समय सबसे बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है। उधमपुर से 13 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे सुमरोली के पास एक बहुत बड़ी चट्टान और भूस्खलन होने के कारण यहां पर उसमें एक जेसीबी और एक डंपर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुमरोली के पास आप देख सकते हैं यहां पर बहुत बड़ा यहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने के कारण एक जेसीबी और एक डंपर जो है इसकी चपेट में आया है। हालांकि गनीमत यह रही कि आज यहां पर शुक्रवार था, हर शुक्रवार को यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत के लिए बंद रहता है और उसी को देखते हुए आज इतनी ट्रैफिक यहां पर नहीं थी। अगर इस समय गाड़ियां यहां पर अगर चलती तो बहुत बड़ा यहां पर नुकसान हो सकता था। आप नाले में नीचे देख सकते हैं कि ये अर्थ एक्सकलेटर नाले में जाके गिरा है और इसके आगे पीछे आप देखिए कि कितने ज्यादा पत्थर हैं और इसी के साथ ये डंपर है। डंपर ने जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये डंपर ने आग पकड़ी है। फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंच गई है, चिनैनी पुलिस के साथ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी यहां पर पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस ट्रक में जो आग लगी है उसे बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस हादसे में सूत्रों ने बताया है कि 3 लोग इसमें जो है इसकी चपेट में आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बाकियों को जो है एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया गया है और एक को चिनैनी सीएचसी में पहुंचाया गया है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जो ये खबर है कि 3 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें से एक जो एक व्यक्ति है उसकी यहां पर मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंपनी यहां पर काम कर रही है, 4 लेनिंग का काम हो रहा है, पहले भी यहां से 100 मीटर दूर 2 महीने पहले भी यहां पर एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन तब गनीमत ये रही थी कि कोई व्यक्ति भी इसकी चपेट में नहीं आया था। लेकिन आज एक बहुत बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार यहाँ पर पहाड़ी का पूरा आपको दृश्य दिखा दे कि किस तरह से, या देखिए कि किसी समय भी ये पूरी पहाड़ी नीचे सड़क पर आ सकती है और बहुत बड़ा यहाँ पर जो नुकसान हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज गनीमत ये रही कि शुक्रवार की तरह आज भी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत के लिए बंद रहा था और उसी को लेकर जो है इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से ये लैंडस्लाइड यहां पर आई है, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड बड़ी है, आप दृश्य में देख सकते हैं कि किस तरह से ये कम से कम 300 से 400 मीटर ऊपर से लैंडस्लाइड नीचे आई है। और ये मैं आपको ये दिखा दूं, सड़क का हिस्सा देखिए आप कितनी जबरदस्त ये लैंडस्लाइड है। आप देखिए कि ये पूरा सड़क का हिस्सा ही टूट गया है, बीच में से ब्रेक हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि यहां पर गाड़ियों की आवाजाही बंद थी, उसकी वजह से सिर्फ 3 लोग ही इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि उसमें से एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज जो काम करती हैं, कहने के प्रिकॉशन जो लेने होते हैं वो प्रिकॉशन नहीं लिए जाते हैं। आप देखिए कि हालांकि ये इस यहाँ पर कोई भी आप कहते हो प्रोटेक्ट वाल कुछ नहीं थी, अगर ये काम यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पर प्रोटेक्ट वाल ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर ये जेसीबी यहाँ पर पहुंच गई है, आप देखिए कि एक्सकलेटर यहाँ पर पहुंच गया है और सड़क को खोलने का कार्य पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से आज ये बहुत बड़ा हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए कान खोलने वाली बात है। जिस तरह से आज इसकी चपेट में एक अर्थ एक्सकलेटर के साथ और एक डंपर जो इसके चपेट में आया है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हुआ है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि अगर ये आज शुक्रवार को रास्ता खुला होता और उस समय अगर ये लैंडस्लाइड आ जाती, हजारों की संख्या में यहाँ से जो यात्री हैं वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और कश्मीर ले कारगिल के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही बड़ा हादसा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है, पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ में फायर ब्रिगेड ने बहुत तुरंत यहां पर पहुंचकर जो इस गाड़ी में जो आग लगी थी उसे अपने कब्जे में लिया है। एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर है। आप देखिए, मैं आपको दोबारा से वही दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर ये डंपर ये चपेट में आया और उसके बाद इसने आग पकड़ी है, यहां पर चिनैनी एसएचओ भी यहां पर पहुंच चुके हैं, एसडीपीओ चिनैनी वो भी यहां पर हैं, बचाव कार्य पूरा चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो लैंडस्लाइड हुई है, किसी समय भी और ज़्यादा लैंडस्लाइड नीचे आ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरह से ये एजेंसीज काम कर रही हैं, जो इनकी गाइडलाइन होती हैं शायद वो उसे पूरा नहीं करती हैं और उसी की वजह से इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा से ये ऊपर नज़र मारना चाहूँ, जो यात्री हैं वो ऊपर से आप देखिए, वो ऊपर से मैं कैमरा में थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये यात्री जो हैं, रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। अब ये लोग पहाड़ क्रॉस करके जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जो भी जितने भी यात्री हैं
वो रास्ता जो ये तो बंद हो गया है, लेकिन अब पहाड़ी क्रॉस करके और आगे से नीचे उतरे हैं। आप देखिए यहाँ पे, मैं इस साइड भी आपको दिखा दूँ कि वो देखिए वहाँ पर, हालांकि इतना जूम नहीं हो पाएगा कैमरा, हम फिर भी दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं अपनी मंजिल की तरफ आगे पैदल ही निकल पड़े हैं, क्योंकि रास्ता जो है ये एक दो खुलने की संभावना नहीं है, एक दो दिन इसे लग जाएंगे खुलने में, जिस तरह से इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। और यहाँ पर गाड़ियों का कुछ यात्री जो डोडा भद्रवा या पत्नीटॉप की तरफ जा रहे थे, वो यात्री यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्थ एक्सलेटर जो है वो पूरा अपना कार्य कर रहा है। देखिए किस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए, जिस तरह से ये बंद तो हो चुका है लेकिन फिर भी इसे खोलने की कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसे खोला जाए और दोबारा से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में फिर दोबारा आपको बता दूं कि आज शुक्रवार था, शुक्रवार के रहते ये रास्ता बंद था, रास्ता यहाँ पर बंद था। देखिए ये पूरा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए। एजेंसीज काम कर रही हैं और पूरा यहाँ पर जोर शोर से काम चल रहा है। हालांकि ये 1:15 की, सूत्रों के मुताबिक 1:15 की बात है जब ये हादसा हुआ था, लेकिन समय रहते जो यहाँ पर जो जिन लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है, इंजर्ड थे उन्हें, जो लोकल गाड़ी वाले थे उन्होंने शिफ्ट किया है। हमारे साथ यहाँ पे SDPO चिनैनी, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू में वो एकदम यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें रेस्क्यू किया है। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या डिटेल्स हैं कि कितने लोग यहाँ पर जो हैं अभी घायल हुए हैं? अभी तो पूरा मालूम नहीं हमें, एक LNT गाड़ी जो नीचे चली गई है उसमें एक ड्राइवर है जख्मी है, उसको एवेक्यूएट किया है हमने उधमपुर के लिए। हम आगे थोड़ा चलेंगे क्योंकि ये रेस्क्यू काम चल रहा है। सर एक की सुना है कि मौत भी हो गई है, एक जो LNT ड्राइवर की अभी सुना है कि मौत हो गई है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। कितने लोग इसमें अभी इसकी चपेट में कितने लोग आए हैं, कोई आइडिया है कितने लोग हैं? एग्जैक्टली 15 लोग होंगे। तो अभी रेस्क्यू चल रहा है, तो कितना आपके हिसाब से कितना समय लग जाएगा हाईवे खुलने में? आपने देखा कि ये हमारे साथ है SDPO चिनैनी थे शमी जी, इनका कहना है कि इसमें एक जो ऑपरेटर था जो आप JCB चला रहा था वो उसकी समय पर ही मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन एक व्यक्ति को जो है वो अस्पताल में पहुंचाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस तरह से आज इतना बड़ा हादसा जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। कई बार सरकारें गाइडलाइन भी लाती हैं और जो ये एजेंसी काम यहाँ कर रही है, कई बार यहाँ पर इसे फाइन भी लगाया गया है, क्योंकि जो कार्य है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं होता है। अगर यहाँ पर फेंसिंग अगर बनाई गई होती तो इतना बड़ा शायद हादसा नहीं होता, किसी एक गरीब इंसान की जान नहीं जाती। जो यहाँ पे कार्य कर रहा था, जो ऑपरेटर था, वो भी शायद घर से अपना काम करने के लिए निकला था, उसके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, अब उनका भी परिवार कहीं ना कहीं उजड़ गया है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मौतें तो होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से हादसे होते रहते हैं सरकार और प्रशासन को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि इस तरह के जो हादसे होते हैं वो हादसों को रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ